इंद्री के वार्ड नंबर 9 में दिन दिहाड़े हथियारों से लैस युवकों ने रविदास सभा प्रधान के घर पर हमला कर दिया। हमले में प्रधान की पत्नी व बेटा जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों से एक देसी कट्टा भी पुलिस ने बरामद किया है। घायल रवि ने बताया कि बीती रात रविदास मंदिर के अंदर जागरण था, युवकों ने जागरण के दौरान झगड़ा किया, उसके बाद वह युवक मंदिर से चले गए। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन सुबह 3-4 युवक हथियारों से लैस होकर उनके घर आए और परिवार पर हमला कर दिया। अक्षय का लड़का काड़ू सा, पता नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है, उसकी पहचान उन्होंने कर लिया। रात भी हमारे वहाँ तलवारें गंडासियाँ लेके बड़े, तो पूरी बिरादरी ने इकट्ठे होकर वहाँ से मंदिर में से इनको पेल दिया। उसके बाद हमने थाने में रात पर्चा दर्ज कराया और इसमें इसने मेरे को रात ही जाम से मारने धमकी दी। रिवॉल्वर इकट्ठे लेके रात भी घूमता रहा, थोड़ी प्रशासन की ढील, रात इनको उठाया नहीं। तो अब मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, इन्होंने मेरे घर पे हमला कराया, एक वहाँ गोली चलाई इन्होंने जिसे मेरी मम्मी भी घायल है और गंडासी मारी उनको। हमलावरों में से एक युवक ने देसी कट्टे से गोली चलाने की कोशिश की तो उन्होंने हमलावर से देसी कट्टा छीन लिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर फोन छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि रवि कुमार के पुत्र प्रेमचंद ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसके तहत कार्यवाही की जा रही है। वार्ड नंबर 9 में रवि कुमार है, सन ऑफ प्रेमचंद, जाति हरिजन है। इसने आगे थाने में दरखास्त दी है, अपनी MLR भी लाया साथ में, भी मेरे घर पर जा करके, एक रवि है, अमित है, एक काला है, अक्षय है, इन्होंने जाकर हमला किया, इसकी मम्मी को गंडासी मारी है। और दूसरा देसी कट्टा कह रहा भी वो लेके गए थे, इन्होंने वो घोस दिया और कट्टा भी हमारे को लिया पेश कर। कितने लोग आए ना उसमें, इसमें 2 आदमी।